केसर वाली रसमलाई। वैसे तो रसमलाई की रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई, लेकिन काफी सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि उनकी रसमलाई जो है उसमें रसगुल्ले काफी ज्यादा या तो हार्ड हो जाते हैं या सिरप में डाल देना टूट जाते हैं। तो आज वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप परफेक्ट रसमलाई घर पे इजीली कैसे बना सकते हैं, कौन से ट्रिक्स और टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे परफेक्ट रसमलाई बनाने के लिए। तो चलिए हम रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए पहले हम छेना तैयार करेंगे। तो मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी डालकर ऐसे रख दिया। इसमें हम 1 लीटर के करीब दूध डालेंगे। पानी हमने इसलिए डाला है ताकि दूध बॉयल करते टाइम नीचे ना लगे। तो 1 लीटर के करीब हम दूध डाल देंगे छेना बनाने के लिए, और इस दूध को हम मीडियम से हाई हीट पर अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे, और साथ में दूध को हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि वो नीचे ना लगे। जब दूध अच्छी तरह से बॉयल होने लगे, आप देखें इस तरह से बॉयल होना चाहिए, तब हम हीट को बंद कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 नींबू के रस निकाल लिया है और थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया है नींबू के रस में, और इसके बीच में डालते जाएंगे। पहले हम आधा डालेंगे, धीरे धीरे कर कर हम इसमें नींबू का रस मिलाते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे और बंद हीट पर। अगर आपको लग रहा है कि आपका दूध जो नहीं फट रहा है तो आप हीट को मीडियम पे ऑन कर सकते हैं, और आप नींबू के रस की जगह इसमें विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जो दूध है वो फटने लगा है। हमारा छेना ऑलमोस्ट बनकर तैयार है और अब हम इसको छान लेते हैं। छेना को छानने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लिया और उसमें मैं यहाँ पे कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ इसको छानने के लिए। और हल्का सा पानी डालेंगे पहले, और उसके बाद इसके ऊपर हम छेना डाल देंगे। इस तरह से सारा इसमें से पानी ड्रेन कर देंगे, और इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसमें से नींबू का रस जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। छेना को अच्छी तरह से हम धो लेंगे। धोने के बाद इसमें से हम स्क्वीज करेंगे इस तरह से, और सारा एक्स्ट्रा पानी जो है छेना में से वो निकाल देंगे। और इतना ही स्क्वीज करें कि जितना पानी इजीली इसमें से निकल जाए, बहुत ज़्यादा इसको दबा कर ना दबाएं। तो अब हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, उसके बाद इसके रसगुल्ले तैयार करेंगे। तो 2 घंटे हो गए हैं, और अब यहाँ से मैं इसको छेना को निकाल लूँगी एक प्लेट में, और अब इसको हम अच्छी तरह से नीट करेंगे। हम छेना को उतनी देर तक नीट करेंगे जितनी देर तक कि ये आपस में जुड़ नहीं जाता और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो जैसा नहीं तैयार हो जाता। तो इसको टोटल नीट करने के लिए हमें 6 से 7 मिनट्स लग जाते हैं। तो ऐसे लगातार इसको अच्छी तरह से हम नीट करते जाएंगे, और आप देखें हमारा जो छेना है बनकर तैयार है, ये एकदम से जुड़ गया है। और अब हम इसके बॉल्स ऐसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें जिस साइज़ के हम आपको रसमलाई बनानी है, रसगुल्ले तैयार करने हैं, उस साइज़ के आप ऐसे बॉल्स बनाकर उनको हल्का सा ऐसे फ्लैट कर लें और इनको तैयार कर लें। तो ऐसे ही मैं सारे बनाकर तैयार कर लूँगी और प्लेट में रखते जाएंगे। ये हमारा दूसरा भी बनकर तैयार है, और यहाँ पे मैंने सारे रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लिए। अब चलते हैं सिरप बनाने के लिए। तो सिरप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 कप के करीब चीनी ली है, और 1 कप चीनी के साथ हम इसमें 3 कप के करीब पानी डालेंगे। 3 गुना इसमें पानी डालेंगे क्योंकि रसगुल्ले का जो सिरप होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। तो हम 1 कप चीनी में 3 कप के करीब पानी डालेंगे, और इसको हम अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। जितनी देर तक चीनी जो है पानी में अच्छी तरह से घुल नहीं जाती, उतनी देर तक हम इसको बॉयल करेंगे। तो ऊपर से इसको कवर कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से बॉयल होने देते हैं। जितनी देर तक हमारा सिरप तैयार होता है उतनी देर तक हम इसके लिए मलाई भी तैयार कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में 1 लीटर के करीब ऐसे दूध डाल दिया है, और जिसको हम मीडियम से हाई हीट पर ऐसे बॉयल करेंगे और इसकी मलाई तैयार करेंगे। इसको हमें उतनी देर तक बॉयल करते रहना है जितनी देर तक ये कर इसका हाफ नहीं रह जाता, हाफ पोर्शन नहीं रह जाता। तो उतनी देर तक हम इसको बॉयल करते जाएंगे। अब हम सिरप को चेक करते हैं। आप देखें सिरप जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है, चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है। एक बार इसको हिला के देख लेते हैं, चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल चुकी है। जब हम छेना की बॉल्स इसमें डालेंगे तो आप ध्यान दें कि जो सिरप है वो बिल्कुल हाई हीट पे होना चाहिए। हम बिल्कुल हाई हीट पर रसगुल्ले तैयार करेंगे। अगर आप हीट को मीडियम पे रखें जहाँ कम पे रखेंगे, जहाँ आपका सिरप अच्छी तरह से गर्म नहीं है, तो आपकी बॉल्स इसमें टूट सकती हैं या फिर आप वो ठीक तरह से नहीं बनेगी। इसलिए आप ध्यान दें कि जब भी आप छेना की बॉल्स इसमें डालें, जो सिरप है वो बिल्कुल हाई हीट पर इसी तरह से बॉयल होना चाहिए। तो हम फटाफट से इसमें सारी बॉल्स बनाकर जो हमने तैयार किया वो डाल देंगे, और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी डाउन नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा देर तक इसको ओपन नहीं रखना।
बिल्कुल हाई हीट पर हमने यहाँ पे बिल्कुल हीट हाई दी है और इसमें बॉईल करेंगे 20 to 25 मिनट के लिए। आप देखें यहाँ पे 10 मिनट्स हो चुके हैं बॉईल होते हुए। आप देखें इनका साइज जो है पहले से डबल हो गया है। काफ़ी लोगों की कंप्लेन आई थी कि बॉल्स इसमें टूट रही हैं, तो आप देखें मैंने भी आपके सामने यहाँ पे बना रही हूँ, तो इसमें कोई भी बॉल ऐसी नहीं है जो टूट गई है या टूट गई है। तो आप देखें ये परफेक्टली बन रहा है। तो दूसरी तरफ हमारी मलाई भी बनकर तैयार हो रही है, तो इसमें हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे। ये ऑप्शन है, आप नहीं डालना चाहते तो इसको हटा सकते हैं। इसका कलर जो है मलाई का काफ़ी अच्छा आता है। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे कोई और फ्लेवर नहीं डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे इलायची पाउडर, फ्रेश इलायची पाउडर जो है मैंने पीस के रखा हुआ है वो इसमें डाल रही हूँ। तो उसको हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, तो इसको अच्छी तरह से मिला दें और इसको थोड़ी देर के लिए और बॉयल होने देंगे। तो इसके साइड पे भी जो मलाई लगती है उसको भी हम ऐसे ही हटाकर इसी के दूध में मिला देंगे बीच में। आप देखिए मलाई काफ़ी ज़्यादा कर चुकी है, तो आप अगर इसमें शुगर डालना चाहते हैं तो वो भी डायरेक्ट 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब। ये स्वीटेंड कंडेंस मिल्क है और 2 से 3 चम्मच आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए और बॉयल कर देते हैं और चलते हैं रसगुल्ले चेक करने के लिए। तो आप देखें काफ़ी टाइम हमारे रसगुल्ले के ऊपर जो जहाँ पे झाग बनती है ये बिल्कुल हेल्प करती है रसगुल्ले को अंदर से अच्छी तरह से पकने में। इसलिए आप ध्यान दें कि जो रसगुल्ले आप कवर कर कर अच्छी तरह से इसको कवर कर कर हाई हीट पे ही पकाएं, ताकि ऊपर अच्छी तरह से झाग बने और अंदर से अच्छी तरह से पक जाएंगे। और ये हमारे रसगुल्ले ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैंने हीट को बंद कर दिया है और इसको अब हम इसी सिरप में ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसको मलाई में डाल देंगे और ऐसे मैं यहाँ से ऊपर में कवर कर रही हूँ और इसको ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी मलाई भी बनकर तैयार हो गई है। इसको एक बार हिला देंगे और हीट को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब हम मलाई को और रसगुल्ले को दोनों चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं रूम टेम्परेचर में आने तक, इनका वेट करते हैं। अब आप देखें जो रसगुल्ले हैं काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। तो आप देखें कि जो हमने पहले बनाए थे उसमें से साइज इनका काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये अच्छी तरह से आप देखें इनको प्रेस करें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। तो ये हमारे बनकर तैयार है। इसको हम अब मलाई में डालते जाएंगे। मलाई भी जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो ऐसे इनको स्क्वीज करेंगे, शुगर सिरप इनमें से निकाल देंगे और इसको मलाई में डालते जाएंगे। तो आप देखें हमारी रसमलाई बनकर तैयार है। मैंने थोड़े से पिस्ता लिए हैं चॉप किए, इसके ऊपर डाल देंगे। आप अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं इसके ऊपर। और ये हमारी रसमलाई तैयार है। इसको हम फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे ठंडा होने के लिए, ताकि जो हमने रसगुल्ले तैयार किए हैं उनमें भी मलाई जो है अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। तो उसके बाद हम सर्व करेंगे। 3 घंटे हो चुके हैं, आप देखें हमारी रसमलाई तैयार है। इसको आप ऐसे ही बनाकर सर्व करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसके साथ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।